गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुन्ना सिंह यादव फ्राम सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस स्टैंडर्ड क्लास फिफ्थ एंड इन न्यू लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन एंड लेसन नंबर 6 एंड नेम ऑफ द लेसन इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम। है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर तंत्र। है ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो हमारे पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, इनका क्या क्या कार्य है, है ना, किसका महत्व क्या है, सब 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 ऑर्गन्स मेरे इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन किसका महत्व कहाँ पर कैसे कैसे है तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसमें आपका एक सिस्टम छोड़ा हुआ है, चलिए अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। है ना, स्केलेटरी सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको आज क्लास फिफ्थ में स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको जो है मिला हुआ है फिफ्थ सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसे हम, लेकिन जो इसके पहले पढ़ाया गया है वीडियो भेजा गया है, इसे आप लोग कम्प्लीटली देखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, सब कुछ याद करते रहिए। टेस्ट भी होने वाला है, हाफ अर्ली एग्ज़ाम भी आने वाला है स्टूडेंट्स, इसलिए इस आप लोग वीडियो किसी भी टीचर्स का वीडियो उसको ढंग से सुनिए, समय दीजिए। तो आइए हम चलते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज फैसिनेटिंग सिस्टम। है ना, हमारा जो मानव का शरीर है यह एक आकर्षक तंत्र है ना, या आकर्षक तंत्र या मोहिनी तंत्र कह सकते हैं, फैसिनेटिंग। द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। है ना, सारे अंगों को मिला के एक शरीर बनती है ना स्टूडेंट्स। जैसे टिश्यू सेल से बनता है, टिश्यू सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, आप लोग जानते हैं। तो सेल से टिश्यू बन जाता है और टिश्यू से क्या बनता है आपका, ऑर्गन्स बनते हैं। और सारे ऑर्गन्स को कंप्लीटली हम कह सकते हैं क्या, व्हाट, ह्यूमन बॉडी, क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी, है ना। इससे मानव शरीर का डेवलपमेंट हो जाता है कंप्लीटली। तो ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। है ना, मानव शरीर में जो है अंगों के, शरीर के अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, है ना, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द बॉडी, जो इस शरीर के, है ना, विशिष्ट कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, है ना। दीज ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म लाइफ फंक्शन, और इस तरह से हमारे जीवन प्रक्रिया चलती रहती है, सबका कार्य होता रहता है। खाना न पचे, फेफड़ा जो है कार्य करना बंद कर दे, है ना, किडनी फिल्ट्रेशन करना बंद कर दे, है ना, और फेफड़े से डिस्ट्रॉलिटी सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाए, है ना, और ब्रेन से आपका थिंकिंग जो है डिस्टर्ब हो जाए, या कोई बालक है मेंटल रिटायर हो जाए, इस तरह से लाइफ बर्बाद हो जाती है। सारे अंगों का सही ढंग से कार्य करना ही जो है आपको स्वस्थता का एक प्रतीक माना जाता है। तो दीज ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म लाइफ फंक्शन, ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छी तरह से कार्य करने चाहिए। तो दिस पैसिफिक सिस्टम, पहला हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, क्या पढ़ेंगे इसको हम, श्वसन तंत्र। द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस पैसिफिक सिस्टम आर लंग्स, विंड पाइप, ब्रोंची, है ना, आपका ये तीन अंग हैं, ब्रोंची, विंड पाइप, लंग्स, है ना, ये हमारे किस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, रिस्पायरेटरी के, नॉट सर्कुलेटरी, नॉट नर्वस सिस्टम, नॉट रिस्पायरेटरी, नॉट डाइजेस्टिव। ये आप जानिए कौन सा ऑर्गन जो है किस सिस्टम में से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ें तो इसका हम नाम ले लें रिस्पायरेटरी का। तो स्केलेटल सिस्टम में का आपका जो ऑर्गन्स है वह अलग है ना। सर्कुलेटरी का ऑर्गन्स क्या है, अलग है। तो सर्कुलेटरी का जो ऑर्गन्स आपका लंग है तो उसको हम स्केलेटल नहीं कह सकते हैं, नर्वस नहीं कह सकते हैं, रिस्पायरेटरी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फर्स्ट हम देखेंगे रिस्पायरेटरी, है ना। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो आपका ऑर्गन्स है वह लंग है, फेफड़ा है।
द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स, विंड पाइप और ब्रोंकी। तो फर्स्ट आप पढ़िए, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर इंटर्स थ्रू द नोज, जैसे हम सांस लेते हैं नाक में हवा को प्रवेश चलाते हैं, तो एंड इज क्लीन्ड बाई द एयर इन द नोस्ट्रिल, है ना, हेयर क्लीन्ड बाई द हेयर इन नोस्ट्रिल, जो नाक के अंदर आपके बाल होते हैं उसमें भी वह क्या कहते हैं फिल्टर करते हैं ताकि धूल अंदर ना जाने पाए फेफड़े में, ठीक है ना। ईश्वर ने जो भी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स बनाया है, जो कुछ भी मानव शरीर में डेवलपमेंट दिया है, सब एक से एक कीमती और महत्वपूर्ण है, है ना। यदि डिस्टर्ब होने पर कोई डॉक्टर नहीं बना पाता है, बनता है तो नेचुरली नहीं हो पाता है, ठीक है। विंड द विंड पाइप ब्रांचेज ऑफ इंटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंची और ब्रोंचिकल ब्रोंचियल ट्यूब, है ना, इसको हम ब्रोंचियल ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रोंचियल ट्यूब, ठीक है ना। फिगर को ध्यान से देखते रहिए, ये नाक को नॉस्ट्रिल बोला जाता है, ये आपका सेकंड पार्ट है, द एयर देन मूव्स डाउन थ्रू द विंड पाइप और ट्रैकिया, है ना, विंड पाइप या ट्रैकिया के द्वारा वायु जो है फेफड़े में प्रवेश करती है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ब्रोंचियल ट्यूब के द्वारा दीज ट्यूब्स इंड विथ बैलून लाइक एयर सैक्स, है ना। ये दीज ट्यूब इंड विथ बैलून लाइक एयर, बैलून लाइक एयर सैक्स, उसमें गुब्बारे जैसी थैली जो फेफड़ा में हवा भरती तो फूल जाता है, उसी को जो है बैलून लाइक एयर बता रहा है। आपका ये फोर है, लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, फेफड़ा, क्या है फेफड़ा। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इनहेल्स एयर, जैसे हम अंदर सांस को भरते हैं इनहेलिंग कहा जाता है, तो फेफड़े के वह के माध्यम से क्या कहते हैं ऑक्सीजन को भर देते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द लंग्स एक्सहेल, जब हम सांस को छोड़ते हैं, इनहेल को सांस को लेना, एक्सहेल सांस को छोड़ना होता है, साइंस पढ़ते स्टूडेंट्स इसको देखो, इनहेल सांस को जब लेते हैं तेजी से इनहेल अब निकालते हैं तो एक्सहेल बोलते हैं, निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है। द एयर दैट वी ब्रीथ इन हैज मोर ऑफ ऑक्सीजन, वायु जो हम सांस में लेते हैं उसमें क्या होती है ऑक्सीजन होती है। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट हैज मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायु हम बाहर निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ब्लड इज ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र, है ना, वह जिसमें ब्लड आपका हार्ट होता है, मेन भूमिका हार्ट की ही होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, है ना, जिसे आप लोग घर पर पढ़िएगा।